सीएम नीतीश कुमार सिमराही पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जदयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामत के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। दरअसल आज सिमराही के लखीचंद हाई स्कूल प्रांगण में जदयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामत के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार सहित जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव सहित जदयू के तमाम विधायक और नेता शामिल हुए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार एक तरफ जहां लोगों से जदयू उम्मीदवार दलेश्वर कामत को वोट देने की अपील कर रहे हैं, वहीं अपने संबोधन में सीएम नीतीश कुमार विरोधी पार्टियों पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी, किसी से छुपी नहीं है, लोग शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे। कहा कि कुछ लोग अपनी पत्नी बेटा बेटी को सर्च करने में लगे हैं, उन लोगों के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है, उन्हें बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार अपने संबोधन में कांग्रेस पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले आजकल कहते फिरते हैं कि जाति आधारित गणना कराएंगे, ये लोग खाली बोलते हैं। हमने तो बिहार में जाति आधारित गणना कराई है और आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, इससे अब लोगों को फायदा मिल रहा है। सीएम ने जनसभा में लोगों से जदयू उम्मीदवार दलेश्वर कामत को वोट देने की अपील की। जगह जगह ज्यादा करके हम देखे, शुरू में जो बना उससे और बढ़िया करने लगे, उससे और बढ़िया करने लगे, तो ये काम एक एक जगह हर जगह पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरे तौर पर ये सब काम हो जाएगा। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और हम लोग भाई तेजी से काम कर रहे हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं कोई काम कर रहे हैं, सब काम करेंगे। और हम लोग तो आपके बीच में आए हैं कि भाई हम लोग तो इतना दिन काम करते हैं और कहीं थोड़ा बहुत अभी सब लोगों से मालूम है, यहाँ पर देखते ही है, हुआ ही है, तो कोई भी चीज को खत्म नहीं होगा। अब आप चिंता क्या के लिए करते हैं, विजेंद्र बाबू को चिंता में छोड़ के लिए आपको सब काम हो ही जाएगा। हम लोगों को जब कहते हैं जो भी बोलते हैं उसको तुरंत कैबिनेट से होता है पास, हमको आ करके एकदम एक एक चीज को तो देख ही लेते हैं, तो इसलिए कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, सब चीज हम लोग करेंगे। तो हम तो यही अनुरोध करने आए हैं कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र से हम लोगों के एनडीए जनता दल युक्त उम्मीदवार दिलेश्वर कामत जी को वोट देकर के विजयी बनाइए। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार से 40 सीट है, तो 40 से 40 सीट हम लोग जीतेंगे और पूरे देश में 400 सीट हम लोग जीतेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और मिलजुल करके देश का विकास, और अगर हम लोगों के साथ से कभी डर होने वाले नहीं है, और मिल करके जो कुछ भी कमी होगी ये सब बिहार का भी पूरा का पूरा काम और पूरा बिहार और ज्यादा विकसित हो जाएगा। इसलिए हम तो यही अनुरोध करने आए हैं कि भाई दिलेश्वर कामत जी को जिताइए। हम आपसे पूछना चाहते हैं अगर दिलेश्वर कामत को जिताइएगा ना, हाथ उठा के बता दो, जिताइएगा ना।